अरे अपने अबू और अपने शौहर को एक ही झटके में खो दिया। अब कहाँ चले गए थे? अब क्यों गए थे? कोई आपके साथ बात नहीं करेगा। रास्ते में एक परी जैसी लड़की मिली। तू क्या हमारे साथ डेरे डेरे पड़ाव पड़ाव फिरता रहेगा? जी मैं आपके साथ चलूंगा। हमारा दोस्त भूखा है, उसने कुछ नहीं खाया तो हम भी कुछ नहीं खाएंगे। कल से हमारे ठिकाने पर नहीं आना, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। हम जैसे हैं ठीक है, तुम बस इधर से चले जाओ। आओ शाहिद, आओ आओ आओ। तुम्हारे मशवरे पे गौर करने के लिए मैंने पूरी बिरादरी को बुलाया है। अमीने को भेजा उन्हें इकट्ठा करने के लिए। देखता हूँ सारे लोग इकट्ठे हुए कि नहीं। तुमने नाश्ता वाश्ता किया कि नहीं? जी वो तो मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम्हारा इरादा सब लोगों के सामने जाहिर कर दूं। हकीकत अगर सब लोगों के सामने आ गई तो वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा इरादा एकदम पाक है खाला, और मुझे ये भी पता है कि आपको इस बात की खबर है, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि आप मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालेंगी, क्योंकि आप ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे दुख में देखकर आपको खुद तकलीफ में होती है। कल रात जब मैं ठंड से ठिठुर रहा था तो आपने मेरे ऊपर ये कंबल डाला। मैं ये बात इसलिए जानता हूं क्योंकि ऐसा सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। हमको एक बात समझ में नहीं आता, आखिर उसका इरादा क्या है? वो क्यों हमारा कबीला के बच्चा लोग को पढ़ाना चाहता है? सुनो सुनो सुनो, मेरी गाल सुनो। देखो हमें उसका नियत पेशाक नहीं करना चाहिए। अरे उस लड़के को देखो, कैसा भोली शक्ल है उसकी, कैसे बोलने का अंदाज है उसका। मुझे तो लगता है वो किसी अच्छे खानदान का लड़का है। इसीलिए मेरे को शक होता है कि एक अच्छे खानदान का लड़का अपना घर का ऐशो आराम छोड़ के हमारा कबीला के बच्चा लोग को क्यों पढ़ाएगा? आखिर क्यों बताओ? अरे सुनो, क्या तुम लोगों ने ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी सारी जिंदगी दूसरे लोगों के लिए सर्फ कर दे? आपने तो देखा है ये लड़का मानो वही। बात तो तुम दुरुस्त कर रहे हो गुलरेज खान, मगर फतेह खान की बात में नहीं दम। और क्या, इसकी बात को भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बैठो बैठो बरफुदार बैठो। बरफुदार, तुम्हारे बारे में गुलरेज खान ने बताया, उस बारे में हम सोच विचार करके आपको बताएंगे। पर इससे पहले कि हम तुम्हारे बारे में कोई फैसला करें, हम तुम्हारे बारे में तफसील से जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, दिल्ली में मेरे अब्बू का अच्छा खासा कारोबार है। मैं बहुत छोटा था जब मेरी अम्मी गुजर गई। मैं अपने अब्बू की एक लौती औलाद हूँ। मेरे घर में मेरे अब्बू के साथ मेरी दादी रहती है। मैंने इंग्लैंड से बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री हासिल की है। बस और क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? तुम हमारा कबीला के लोगों को तालीम क्यों देना चाहते हो? सच पूछिए तो मैंने ये खेल खेल में ही शुरू किया था, वक्त बिताने के इरादे से ही समझ लीजिए। मुझे जरा सा भी पता नहीं चला कि कब ये मेरा मिशन बन गया, और इसके बारे में मैं गहराई से सोचने लगा।
शायद यहाँ के लोगों के साथ रहकर उनकी जिंदगी के बारे में जानने का मौका मिला और यह एहसास हुआ मेरी छोटी सी दुनिया के आगे भी एक दुनिया है। जिससे दो चार हुआ तो लगा मैं भी इसका एक हिस्सा बन सकता हूँ। बड़ी बड़ी बातें मत सुनाओ, तुम हमको ये बताओ कि इससे हमारे कबीला के बच्चे लोगों को क्या फायदा होगा। तुम्हारा कोई बच्चा नहीं चाचा जान, तुम्हें क्या पता इससे क्या हासिल होगा। अमीन, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। ये मसला बच्चों का ही है अबू, इसलिए मैं बोला। आप कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। हम ये अर्ज करना चाहता है कि ये दुरुस्त है कि हमारा बच्चा लोगों को तालीम मिलेगा, पर हमारा पेशा का क्या होगा? हमारी भेड़ कौन चराएगा? उनका दूध कौन निकालेगा? बताओ, लोग बताओ। माफ कीजिएगा, तालीम का मतलब पेशे की तब्दीली से नहीं होता और ना ही किसी ऑफिस में नौकरी पाने से होता है। तालीम आदमी को एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। तालीम आदमी को जिंदगी के मायने बताती है कि जिंदगी को अच्छे मकसद के साथ जिया जाए। तालीम हमें हर तरह से बहुत कुछ जानने में मदद करती है। क्या मदद करती है तुम्हारा तालीम? हम हर बेड़ को आवाज से पहचानता है, एक एक का नाम लेकर उसको बुला सकता है। क्या तुम्हारा कोई तालीम याफ्ता आदमी हमारा 100 बेड़ का नाम याद करके रख सकता है? बताओ, अगर कोई रखता है तो मेरा नाम फतेह खान नहीं, बताओ। नाम तो याद नहीं करा सकती भाईजान, लेकिन मेरी तालीम आपको भेड़ों की गिनती करना जरूर सिखा सकती है और आपको ये भी सिखा सकती है कि किस तरह से आप भेड़ों को और उनकी ऊन को मार्केट में ज्यादा मुनाफे के साथ बेच सकते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम हमको ये बताओ कि तुम हमारे साथ कितने दिन तक रहने वाला है, कितने दिन तक हमारा बच्चा लोग को तालीम देगा और कब तुम चला जाएगा? कब हुजूर का मन हो जाए, उनका दिन भर जाए, हफ्ते दिन के बाद, 7 दिन के बाद, महीने भर के बाद साहब चले जाएंगे, और जब साहब चले जाएंगे तो फिर हमारा बच्चा लोग का तालीम कौन देगा, कौन तालीम अता फरमाएगा, बताओ। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, पहले सिर्फ एक मशाल जलती है, फिर उसी मशाल से सारी मशालें जलती हैं। यहाँ भी एक मशाल जलेगी और उससे दूसरी मशालें जलेंगी। मैं अमीन को पढ़ाऊंगा और वो बाकी बच्चों को। अगर बस हम तुम्हारी तजवीज मान भी लें तो हमें बदले में क्या देना पड़ेगा? कुछ नहीं खास साहब, बस आप लोगों के साथ रहने की इजाजत और खाना, मुझे और मेरे खच्चर को। बेहतर है, बेहतर है। हम आपस में मशवरा करके तुम्हें बताएंगे, तुम तब तक वहां जाओ, वहां बैठो। वो तो जो भी होगा सबका मशवरा ही होगा। हमारा बात समझ लो, आप हमारे अच्छे के लिए फैसला होगा, हमारी भलाई के लिए फैसला होगा, दिल के इंसाफ पे फैसला होगा। ऐसी बेइंसाफी नहीं होगी। एक बार सोच तो, बाहर के आदमी लड़का है, क्या पता बाहर का आदमी हमारा बात उस तबीयत में शक हो सकता है। हमें पता चलना चाहिए। बस 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 बस, उसको बुलाने दो। अरे शाहिद, आजा आजा, इधर आजा। सुनो, हम लोग कुछ रोज देखेंगे कि तुम हमारे साथ किस तरह रहते हो, हमारे बच्चों के साथ किस तरह पेश आते हो, उनको तालीम कैसे देते हो। तुम्हारे खाने पीने का बंदोबस्त हम करेंगे और रहने का इंतजाम तो वो तो तुम फतेह खान के साथ रहो। हमारे साथ? हमारे साथ क्यों? क्योंकि पूरे कबीले में तुम ही एक आदमी हो जो अकेला रह रहे हो, बाकी हमारे साथ तो हमारा कुंबा है। हा? क्यों, फैसला सही है कि नहीं? ठीक है, हा? बस ये सही फैसला। Yeah.
क्या हो गया है तुम्हें? कभी तो दिमाग से काम लिया करो। इस तरह से बाहर के आदमी को कबीले में आने जाने की इजाजत देने का अंजाम जानते हो तुम? अरे फातिमा कभी तो दिमाग को ठंडा कर लिया कर। उठो। ओह अल्लाह अल्लाह। पकड़। अरे सुन, वो बड़ा ही नेक लड़का है, बड़ा अच्छा लड़का है। हमारे बच्चों को तालीम देगा, उन्हें जहालत की दुनिया से बाहर निकाल देगा, और तुम्हें इस बात से तकलीफ हो रही है? छे। इतनी बड़ी उम्र हो गई, कभी कोई ऐसा आदमी देखा जिसको कोई मतलब ना हो और तुम्हारे सब काम कर दे? अरे घुमा फिरा कर बात सुना मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधी बात कर। कोई ऐप देखा उसने? बोल हा? तुम्हारे साथ ही तो इस कबीले में आया वो, तब अच्छा था, अब बुरा हो गया। मैंने इजाजत दे दी तो बुरा हो गया। तुम औरतों का भी तो जवाब नहीं, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम। तौबा तौबा। कुछ नहीं सोचती, जो जी में आए सो कर, मेरे को क्या? अल्लाह अल्लाह। बंद करो ये, हमको नींद नहीं आता है। बस भाईजान सिर्फ एक पन्ना रह गया। ये क्या पन्ना लगा रखा है? बंद कर। मुसीबत पार दिया गुलेज भाई ने हमारे सर पे। सीखना है? सिखाना? मुझे सिखाना नहीं आता। तुम्हें सीखना है तो शायद भाई से सीखो, तुम्हें किताबें तो दिए ना उन्होंने। ओ आमी, चुप कर, वो नहीं सीखेगी, शायद उसको नहीं पढ़ाएगा। अरे अरे क्यों नहीं पढ़ाएगा? अगर वो अमीन को पढ़ा सकता है तो राबिया बेटा को क्यों नहीं? हा? अगर हमारा राबिया बेटा तालीम हासिल करना चाहता है तो उसे पढ़ाना ही पड़ेगा। क्यों राबिया? अरे मैं बोलूंगा उसको।
नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ होता है, तुम्हारा जैसा नाजुक मिजाज इंसान हमारे साथ नहीं चल पाते। लगातार चलना तुम्हारे बस का नहीं है, गलत फंस गई है। नहीं भाईजान, मैं काफी सालों से ट्रैकिंग कर रहा हूँ, बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ी चढ़ जाता हूँ मैं, लेकिन हमारे साथ चलना जरा ज्यादा मुश्किल है। ये देखो 40 का हो गया हूँ, बदन भी थोड़ा भारी हो गया है, मगर अभी भी तुमसे आगे भाग के जा सकता हूँ। चलो दौड़ लगाओगे, दौड़ लगाओगे? चलो एक काम करते, वो मंदिर के ऊपर जो पहले दौड़ के जाएगा ना, वो फिर हमेशा एक दूसरे का बात मानेगा। बोलो। नहीं भाईजान, उसकी जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ मैं आपसे मुकाबले में नहीं जीत सकता। अरे नहीं नहीं, तुम जीत सकते हैं, चलो हरा के दिखाओ आज हमको। अरे सुनो, अभी शायद और हमारे बीच दौड़ होगी, जो सबसे आगे जाएगा ना वो हमेशा एक दूसरे की बात मानेगा। चलो शायद मैं खड़ा जाऊँ। अरे माफ कर दीजिए भाईजान, गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुआ, चलो आ जाओ। अरे भाईजान जाने दीजिए ना। अरे मर्द मरो भैया, चलो उठो शुरू करो। अच्छा आप मजबूर कर रहे हैं तो फिर आइए, चलो शुरू करो। अभी चलो, पहले तुम आगे दौड़ो, मैं तुमसे पीछे दौड़ेगा। चलो मत बोलो भैया, हाथ कर देखो, चलो आ गए, मौका दिया भैया, भागो। क्या हुआ, क्या हुआ भाई, रुक कैसे गए? पैर मुड़ गया भाईजान, एक कदम भी चला नहीं जाता। आप रेस जीत गए भाईजान। अरे नहीं नहीं फतेह खान, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये मुझे बिल्कुल नागवार है। अरे देखो ये कैसे हो सकता है, मैं इतनी दूर से चलकर तुम्हारी भेड़ के वास्ते आता हूँ। तुम्हारी भेड़ के लिए? अरे मेरा मतलब है, मैं इतनी दूर से चलकर तुम्हारी भेड़ और ऊन खरीदने के लिए आता हूँ। बिजनेस करने के लिए आता है इधर, तुम कोई एहसान नहीं करता। हाँ तुम ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आता है। अरे भाई मुनाफा कमाने के लिए और भी बहुत से कबीले हैं, मेरा तो तुम्हारे साथ एक बहुत पुराना रिश्ता है, लेकिन इस बार तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचा दी है। देखो माल तुमने अहमद खान को बेच दिया जबकि एडवांस मैंने दिया था। तुम एडवांस क्यों कहते हो उसको, तुम हमको हमारी भेड़ के लिए या मून के लिए पैसा एडवांस नहीं दिया था, तुम जो पैसा हमको दिया था वो उधारी में दिया था, उसका तुम हमसे ब्याज लेते हैं, कोई मुफ्त में पैसा नहीं दिया तुमने। देखो फतेह खान, मैं तुम पर यकीन करता हूँ, अरे मैं जानता हूँ कि मेरा पैसा तुम्हारे पास ठीक जगह पड़ा हुआ है, अरे तुम्हारी नीयत पर यकीन करता हूँ, इसीलिए तो तुम्हें पैसे देता हूँ। ये बताओ क्या कोई और आदमी तुम्हें ऐसे पैसे उधार पर देगा? नहीं देगा ना खान,
तुमने इस बार मेरे यकीन को तोड़ दिया है। अरे हाँ चल देखो देखो इस बार जो हो गया सो हो गया, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो खान, तुमने माल तो बेच दिया, पर मुझे ये बताओ कि मेरा पैसा कब दोगे? कितना पैसा है तुम्हारा? अरे देखो, मैंने तुम्हें दिया था 60,000 रुपया 4 महीने के लिए 4% सूद पर। दिखाओ। ये देखो ये देखो। इधर लिखा है? अरे इधर नहीं, इधर देखो ना, ये 60,000 रुपया 4 महीने के लिए 4% सूद पर। अरे पहले 4 महीने का बन गया ना तुम्हारा ये 2400, फिर उसके बाद बन जाता है तुम्हारा 4800, 7200, 9600 और ये सारा कुल मिलाकर तुम्हारा 12,000 रुपया बन गया। माफ कीजिए जनाब, लेकिन आपका ब्याज इतना नहीं होता, आपके हिसाब में गलती है शायद। फिर से देखिए, 4 महीने के 4% कुल मिलाकर 9,600 रुपए बनते हैं। आप देखो पर खुर्दार, हमने फतेह खान को पहले से ही आगाह कर दिया था कि सूद तो ऐसे ही लगेगा। क्यों? हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। चलिए अगर हम आपकी बात मान भी लेते हैं तो भी आपका ब्याज 12,000 नहीं 10,192 रुपए बनता है। पहला महीना 2400 रुपए, दूसरा महीना 2496 रुपए, तीसरा महीना 2596 रुपए और चौथा महीना 2700 रुपए, कुल मिलाकर 10,192 रुपए। देखो बरखुरदार, मैं तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर एक बात तो पक्की है कि मेरे हिसाब किताब में कोई इतनी गड़बड़ नहीं। तुम तो बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता लोगों का कान काटता है ना। ये लो अपना पैसा और निकलो इधर से, कभी मुंह मत दिखाना हमको। अरे भाई मेरा बाकी पैसा तो दो ना। ये देते हो भाई, ये भी छीन लूंगा, जा वापस निकल बाहर। अरे क्या करता है? अरे 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 खान, खान क्या करता है? अहमद कहीं का ये सब तुम इन किताबों से सीखा है? ये तालीम तो बहुत जल्द हासिल हो जाती है भाई जान, ये तो पहली जमात में ही पढ़ा देते। आप देखिएगा, आमीन और बाकी बच्चे इस तालीम को बहुत जल्दी हासिल करेंगे, फिर उन्हें इस मामले में कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तब तो हमको भी तुम्हारा शागिर्द बनना पड़ेगा। आपने कुछ कहा भाई जान? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। शायद मियां, तुम हमको एक बात बताओ, तुम जानबूझकर हमसे दौर में क्यों आ रहा? हमको मालूम है तुम्हारा पैर में मोच नहीं आया था, तुम बहाना किया था, पर हमको ये समझ नहीं आता कि तुम जानबूझकर क्यों आ रहा। भाईजान आप मुझसे बड़े हैं, भला मैं आपके जज्बात को ठेस कैसे पहुंचा सकता था? मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दे सकता था भाईजान। ये सब तुमको किसने सिखाया है? क्या ये सब भी तुम्हारा इन किताबों में लिखा है? नहीं भाईजान, ऐसा सीधे सीधे तो नहीं लिखा, पर हाँ जो कोई भी इन किताबों को पढ़ता है वो उनमें लिखी बातों में इतनी गहराई से डूब जाता है कि ये सब बातें उसमें अपने आप आ जाती हैं, और कब ये बातें उसकी तालीम का एक हिस्सा बन जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता।